आज के सुनो कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दिए, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 4 आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो लोग भी रेलवे ALP NTPC ग्रुप डी RPF या रेलवे JEE की तैयारी करना चाह रहे हैं या इनके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर रहा है जैसे कि SSC हो गया, UP पुलिस हो गया, अगर आप इन एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक सिक्वेंस से टाइप टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 10। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 9 में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 9 में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए इस प्रश्न का मतलब क्या है, जैसे इस प्रश्न में कहा गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में कितना हो जा रही है, दोगुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर मैं चाहूं तो आपको इस प्रश्न का मतलब समझा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न का मतलब समझते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कि मेरे पास कुछ रुपए है यहाँ पे, ये मैं क्या मान लो, ये मूलधन है। अब ये मूलधन अगर मान लो कि यहां से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 15 वर्ष में 15 ईयर में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो गया, यानी 2P बोल सकती है, दोगुना हो जा रहा है। इसी राशि को 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। इसी राशि को 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया। ये ईयर है, क्लियर है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी सॉल्व करे थे, लेकिन उसका अलग कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। दोनों का अलग अलग तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आप देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन से समझ में आया आपको, प्रश्न में ये कहा गया कि अगर कोई राशि है 15 वर्ष में कितना हो जा रही है, दोगुना हो गई, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया। मुझे लगता है कि आपको प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न में देखेंगे तो वर्ष और गुना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्ष और गुना की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए और यहाँ पे आप गुना या गुनी आप लिख सकते हैं, गुना या गुनी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक राशि 15 वर्ष में कितना हो जा रही, दोगुनी हो जाएगी। वर्ष दिया गया और यहाँ पे कितना हो रहा है, दोगुनी हो रही। वर्ष का वर्ष 15 दिया तो आप यहाँ पे 15 लिखें, कितना गुना हो रहा है, दोगुनी हो रही, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर क्या कहा गया, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी। मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितने टाइम में, जो भी मूलधन रहा होगा कितने टाइम में ये इसका 8 गुना हो जाएगा, आपसे प्रश्न यही पूछा गया, टाइम पूछा गया। तो मैंने यहाँ पे टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। देखिए कैसे आप टाइम बताएंगे, इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको भी क्या करेंगे, आप 2 के रूप में लिखेंगे। अगर आप इसको 2 के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मुझे 2 मिल गया। इतना समझ में आया, इसे प्रसार करेंगे तो फिर आपको 8 मिलेगा। अब इसके बाद करना क्या, अगला स्टेप क्या है, जो भी पावर मिलेगी आपको करना है कि इस वाले टाइम में ला करके मल्टीपल कर दीजिए। जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 3। मैंने क्या बताया आपको, जो भी पावर मिलेगी इसमें ला करके आपको मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करेंगे तो 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। आप बता सकते हैं कि कितने समय में वो राशि 8 गुना हो जाएगी, 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है।
चलिए इस टाइप में दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अगला टाइप देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की कितना हो जा रही है, 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। और ये देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। क्या तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे तो वर्ष और गुना की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 6 वर्ष में स्वयं की कितना हो जाएगी, 2 गुनी। 6 वर्ष में कितना हो जा रही राशि, 2 गुनी हो रही, तो आप 6 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। प्रश्न में ये कहा गया कि स्वयं की 8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। अब इसका तरीका देखिए, पीछे मैं आपको बता चुका, यहाँ पे 2 है ना, तो मुझे करना है कि इसको भी 2 के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते कि 2 की पावर 3, जब इसे प्रसार करेंगे तो फिर आपको 8 मिलेगा। फिर मैंने क्या तरीका बताया आपको, जो भी पावर मिलेगी अब इसका क्या करेंगे, आप इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 3। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 18 वर्ष पहला ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न में दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितना हो गई, 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी होगी, आपसे ये पूछा गया। तो इस प्रश्न में देखेंगे वर्ष और गुना की बात हो रही है, तो आप यहां से लिखेंगे वर्ष, गुना लिख सकते हैं या आप यहाँ पे गुनी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 10 वर्ष में स्वयं की कितना हो जा रही है, 2 गुनी, तो वर्ष के नीचे आप लिखेंगे 10 लिखेंगे और कितना हो जा रहा है, 2 गुनी हो रही है, मैंने लिख लिया। कहा क्या है, स्वयं के 16 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के फॉर्मेट में लिखना, तो 2 की पावर कितना कर सकते हैं आप, 4 कर सकते हैं। जब इसे प्रसार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार करके करेंगे तो 16 आपको मिलेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया आपको, जो भी पावर मिलेगी आपको करने के इसमें ला करके मल्टीपल करना है, जब इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो टाइम कितना पता चल जाएगा, 40 वर्ष। कितने वर्ष में वो राशि 16 गुना होगी, 40 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, आपके आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में देखिए आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न में दिया क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में ये इतना हो जाती है, 6 वर्षों के पश्चात ये इतना हो जाती है, तो आपसे पूछा क्या वो धनराशि, यानी मूलधन आपसे पूछा गया। इस ये जो 2 लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 2 लाइन लिखी है इसका मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे कुछ राशि रही होगी, अब ये 3 वर्ष में ये राशि जो 3 वर्ष के बाद कितना हो जा रही है, इतना हो जा रही है, कितना, ये 48/18 हो जा रही है। 3 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो गई, ये इतना हो जा रही है। यही राशि जो 6 वर्षों में कितना हो जा रही है, 72/27 हो जा रही है। यही राशि जो है 6 वर्ष में 72/27 हो जा रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा क्या है, प्रश्न आपसे ये पूछा है कि आप मुझे क्या करिए, मूलधन बताइए कि वो राशि कौन सी है या राशि कितनी है। प्रश्न देखिए आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 3 वर्षों के बाद ये इतना हो जा रहा है, ये क्या दिया आपको, मिश्र धन दिया गया, ये क्या दिया आपको, मिश्र धन दिया गया, क्लियर है। और 6 वर्षों के बाद यही राशि इतनी हो जा रही है, तो आप मुझे करिए क्या, वो राशि बता दीजिए कि वो राशि कितनी है। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग मान लें कि पहला मिश्र धन है,
इसको हम लोग मान ले पहला मिश्र धन है, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड मिश्र धन है। ये क्या है, सेकेंड मिश्र धन है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन पता करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूं यहाँ से तो आपको करना है कि ये जो पहला मिश्र धन है इसको दो बार आपको लिखना होगा, पहला जो मिश्र धन है इसको आपको दो बार लिखना होगा, जो पहला मिश्र धन है इसको देखिए मैंने दो बार लिख लिया, ये दो बार मैंने इस तरह से गुणा करके लिख लिया। अब इसके बाद करना है कि आपको सेकेंड वाले से डिवाइड करना है, ये जो सेकेंड मिश्र धन है इससे आपको डिवाइड करना है, यही इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पहला वाला मिश्र धन है इसको क्या करेंगे, आप दो बार लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे, एक बार दो बार इस तरह से लिखेंगे। अब बटे क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला मिश्र धन है इससे डिवाइड कर देंगे, जब आप इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस प्रश्न को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मेरी बात को देखेंगे तो ये पहला मिश्र धन है, ये क्या है, पहला मिश्र धन है, और छह वर्षों के बाद ये इतनी हो जा रही है, तो ये क्या है, ये सेकेंड मिश्र धन है। और हमसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा है ना, मूलधन बताना है। तो पहले वाले का क्या करेंगे, आप दो बार करेंगे, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, और सेकेंड वाले से आपको करना है क्या, सेकेंड मिश्र धन से आपको डिवाइड करना है, यही तो मैंने आपको ऊपर लिखा था। अब देखिए पहले का मान आपको दिया है कितना, ये 48/18 इंटू कितना हो जाएगा, 48/18, और सेकेंड वाले से आपको डिवाइड करना है, जो सेकेंड मिश्र धन है इससे आपको डिवाइड करना है। देखिए कितने से कटेगा, अगर आप इसको काटेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको काटेंगे तो तीन से कटेगा, तीन से ये भी कटेगा, तीन से ये भी कटेगा। तो जब इसको तीन से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, तीन एक कम तीन हो गया, और तीन छः का 18, इसको काटेंगे तीन छः का 18 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तीन दूना छः, तीन चौको 12 हो गया, और तीन नवा 27। जब दो अंक एक साथ काटते हैं तो जीरो यहाँ पे क्या होता है, लग जाता, यानी बढ़ जाता है। क्लियर है इतना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर देखिए मैं इसका यहाँ से देखेंगे तो 24 दूना 48, ये इसका क्या है, ये डबल है, इस वाले का ये क्या डबल है कि नहीं, 24 दूना 48, 9 दूना 18, अगर मैं इससे काट दूँ तो कितनी बार में कट जाएगा, ये दो बार में। अब इन दोनों का मल्टीपल करके आपको लिखना है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 6 12 हो गया, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। आप बता सकते हैं कि वो मूलधन कितना है, 3212 रुपये है, 3212 रुपये। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट होता है, जो पहला वाला मिश्र धन है इसको आप दो बार लिखेंगे और सेकेंड वाले से डिवाइड कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में ये इतना रुपए तथा 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये इतना रुपए हो जाती है। तो राशि आपसे पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया, यानी ये 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो ये पहला वाला मिश्र धन हो जाएगा, फर्स्ट मिश्र धन, और ये मेरा क्या है, सेकेंड मिश्र धन। अब हमसे पूछा क्या, मूलधन पूछा है ना, प्रिंसिपल बताना है। तो पहले वाले का क्या करेंगे, आप दो बार लिखेंगे, 8028 × 8028, क्लियर है। अब सेकेंड वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, सेकेंड वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करना है, 12000 कितना दिया गया है, 42 दिया गया, इतना क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप चाहते कि टाइम हमारी बच जाए तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का हम लोग क्या करें, गुणा करें, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 64 के 4 मिलेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी इस पूरी संख्या का जब भी आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलना चाहिए आपको, 4 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 4 आपको मिलना चाहिए नहीं, जब इनका गुणा करेंगे तो आपको लास्ट में 4 आपको मिलेगा। इसको डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये डिवाइड करने वाली जो ट्रिक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मुझे करना क्या, 416 में 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए 416 से 416 में 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 4 एकम 4 चौको 16 हो जाए। कितनी बार में कटेगा ये, इतनी बार में कटेगा। अब जैसे मुझे करना क्या है कि इसका, जैसे यहाँ पे देखिए इकाई अंक के स्थान पे 6 है, तो क्या जितनी बार ये कट, यानी जितनी बार ये भाग जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी, इन दोनों का गुणा करने के बाद मुझे पुनः ये इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुझे 6 यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अगर आप इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 मिला कि नहीं, लास्ट में 6 आपको मिला। आप पूरा पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इकाई अंक पता कर लिया। अब इसी तरह से मुझे ये पता करना है कि जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो जितनी बार में कटेगा, जितनी बार में ये कटेगा, फिर पुनः इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको इकाई अंक के स्थान पर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है। जैसे अगर मैं इससे इसको काटूंगा, गुणा करने के बाद इससे इसको काटूंगा, तो जो भी कटेगा तो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे कौन सी वैल्यू आए, ताकि इन दोनों का गुणा करने के बाद मुझे यहाँ पे कितना मिले, 4 मिले। यहाँ पे गुणा करने के बाद मुझे ये 6 मिले कि नहीं मिले, तो उसी तरह से यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली जाए, ताकि इन दोनों का गुणा करने के बाद मुझे कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें मैं 2 से गुणा करूं, जिसमें 2 का गुणा करूं तो कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन है। और किसे से करेंगे तो 5 दुना 10, इकाई अंक के स्थान पे 0 आपको मिलेगा, मुझे चाहिए कितना, 4। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर आप इससे करेंगे तो 5 दुना 10, ये भी नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट। इससे करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और चाहिए मुझे कितना, 4 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको समझाने के लिए, क्लियर है। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिलहाल मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2400 रुपये की धनराशि, 2400 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और जो ब्याज की दर है वो क्या वार्षिक रूप से संयोजित है, कि किसी निश्चित दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3600 रुपये हो जाते, और इसी ब्याज दर से 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा, 12 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी वो बढ़कर, यानी मिश्रधन कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पे ये जो टाइम मिलेगा ये इसका क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे तो ये क्या मिलेगा, टाइम का यहाँ पे डबल मिलेगा, टाइम का क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो ही आप इसका यूज करेंगे। अब यहां से देखेंगे तो आपको क्या क्या, आपको ये निकालना है सेकेंड मिश्रधन, आपको निकालना है। आपको इस बार देखेंगे तो ये जो मूलधन है ये मुझे पता है, प्रिंसिपल मुझे पता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, प्रिंसिपल बराबर पहला मिश्रधन इंटू पहला मिश्रधन बटे यहाँ पे क्या करते थे लोग, सेकेंड मिश्रधन करते थे, यही तो लिखते थे शुरू में, तो मैंने आपको यही तो बताया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल पता है और इन दोनों इसका भी मान पता है, तो रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना, ये 2400 हो जाएगा और ये पहला मिश्रधन कितना दिया गया, 3600 बटे सेकेंड मिश्रधन आपको निकालना है। देखिए यहाँ से अगर मैं 00 से 00 काट दूँ, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 3 बार में 12 दुना कितना हो जाएगा, 24। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1800 बार में कटेगा। और इसका करना है कि आपको मल्टीपल करना है, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 18 के 18 36 18 54 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा। तो सेकेंड मिश्रधन आप बता सकते हैं, सेकेंड मिश्रधन आप कितना बताएंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो 5400 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि 12 वर्ष के पश्चात वो राशि कितनी हो जाएगी, 5400 रुपये हो जाएगी, यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लास मुझे बंद करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जब रेलवे में NTPC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा तो पुनः मैं इस क्लास को क्या कर दूंगा, चालू कर दूंगा।
फिलहाल मैं इस क्लास को अब बंद कर दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के नोटिफिकेशन का इंतजार करें। जब भी रेलवे में NTPC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा तो पुनः मैं ये क्लास क्या कर दूंगा, फिर से चालू कर दूंगा। रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा, मैंने क्या बताया आपको, आगे जब भी रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा NTPC ग्रुप डी का, तो मैं ये क्लास पुनः चालू कर दूंगा। इसके आगे जितना आप पढ़ चुके हैं, इसके आगे मैं पुनः चालू कर दूंगा।